एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ में रामपुर नामक एक गांव में प्रवचन करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें और उनके संतों को छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। उन गड्ढों को देखकर सारे संत चुप रहे, लेकिन उनमें से किसी एक संत से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि स्वामी जी, रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं, इसका क्या कारण है और किसने किए इतने गड्ढे। तभी भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस संत को जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहां पर पानी की तलाश में आया था और जब उसे एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया और जब उसे दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। और इसलिए ये कहा जाता है कि अलग अलग जगह अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर रखो। अलग अलग जगह पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें किसी भी जगह पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आपको अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये है कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है और यहाँ पर है सक्सेस। अब यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें से एक होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं और जब सक्सेस नहीं मिलती तो दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं, फिर उसमें अपनी एनर्जी लगाते हैं और जब उसमें भी सक्सेस नहीं मिलती है तो तीसरी जगह पर अपनी एनर्जी को लगा देते हैं और ऐसे करते करते उसकी सारी एनर्जी अलग अलग जगह बढ़ जाती है और किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक प्रोजेक्ट में उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। और वहीं दूसरी ओर एक तरह के लोग होते हैं जो किसी एक प्रोजेक्ट पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और फाइनली सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। और सफलता आपसे यही चाहती है कि आप सारी चीजों से किनारा करके किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाओ, और अगर अपनी पूरी एनर्जी एक जगह लगाने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं भी मिलती तो भी इट्स ओके, क्योंकि आप किसी एक काम पर फोकस करना तो सीख गए, जो कि 90% से ज्यादा लोग नहीं कर पाते। एक बार में अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलती तो भी दूसरी बार में तो आप सक्सेसफुल बन ही जाओगे। अगर आप कोई भी एक काम अपने पूरे प्राणों से करते हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, अगर आपका फोकस एक जगह पर है तो। एक ही लाइफ में आप 50 अलग अलग काम नहीं कर सकते। लता मंगेशकर गाना गा सकती है लेकिन क्रिकेट नहीं खेल सकती। सचिन तेंदुलकर ने घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस की, अब क्रिकेट की प्रैक्टिस के साथ साथ में वो सोचे मैं तो गिटार भी बजा लूँ, मुझे डांस भी करना है, मुझे जॉब भी करना है, मुझे बिजनेस भी करना है। तो दुनिया भर के काम तुम कर तो लोगे लेकिन किसी भी एक चीज़ में तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें किसी एक चीज़ में मास्टरी को अचीव करना है तो अपना पूरा फोकस भी एक ही जगह पर लगाना होगा। दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, पूरी दुनिया के काम मैं ही कर लूँ। और वो पूरी दुनिया के काम कर भी लेता है लेकिन किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाता। कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तू अपनी फील्ड में इतना घुसा रहता है कि तुझे बाकी फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब अपनी फील्ड में इतना कुछ जानने को है तो बाकी फील्ड का नॉलेज लेकर मैं क्या करूँगा। आप लाइफ में ऑलराउंडर नहीं बन सकते। आप क्रिकेट में ऑलराउंडर बन जाओ चलेगा, लेकिन लाइफ में आपको या तो बैट्समैन बनना पड़ेगा या फिर बॉलर बनना पड़ेगा। अगर बैट्समैन बनना है तो बॉलिंग छोड़ दो, और अगर बॉलर बनना है तो बैटिंग छोड़ दो। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस किया। तो पहले आराम से बैठकर ये सोचो कि कहाँ पर फोकस करना है और उसके बाद उन चीज़ों को डिसाइड करो जहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि कई बार फोकस ना करना फोकस करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि इस वीडियो का मैसेज आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।